अस्सलाम वालेकुम, दिस अलीम फ्रॉम स्किल्स एकेडमी। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से इनिशियल सर्वर रिस्पांस टाइम रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये कि बाय अ गुड होस्टिंग। अगर आपकी होस्टिंग बुरी होगी तो फिर ये इनएविटेबल है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। आपको एक अच्छी और बेहतरीन होस्टिंग चाहिए होगी जो कि सुपर फास्ट हो, जैसे कि साइट ग्राउंड है। और इसके अलावा एक अच्छा सीडीएन चाहिए होगा। अगर आप पेड अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप क्लाउड फ्लेयर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद रिड्यूस पेज रिक्वेस्ट, तो आप पेज के ऊपर इतनी ज़्यादा चीज़ें यूज़ ना करें, इमेजेस वगैरह या दूसरे मल्टीमीडिया। उसको कुछ करें कि उसका साइज कम से कम रहे और लाइट वेट थीम्स यूज़ करें और जो इमेजेस हैं उन्हें कंप्रेस करें। उसके बाद कैश ऑप्टिमाइजेशन, मतलब जीजिप और कैशे और मिनिफिकेशन। तो चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो प्लगइन से ऐड न्यू, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे WP पास्ट टेंस पेज, इंस्टॉल। यहाँ से ओपन करेंगे, इन सब को एक्टिवेट कर देंगे। ये जो मिनीफाइंग और कंबाइन वाले हैं इन्हें अनेबल नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए हम ऑटो ऑप्टिमाइज यूज़ कर रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। सबमिट। उसके अलावा अगर आप CDN यूज़ नहीं कर रहे तो आप cloudflare.com के ऊपर जाएंगे और वहाँ पे इस वेबसाइट के नेम को पेस्ट करेंगे और आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इमेज ऑप्टिमाइजेशन, उसके लिए जाएंगे प्लगइन्स में, ऐड न्यू, यहाँ पे यू इमेज ऑप्टिमाइजर। इसे करेंगे इंस्टॉल। उसके बाद जाएंगे मीडिया में, यहाँ से बल्क ऑप्टिमाइज, स्कैन फॉर अनऑप्टिमाइज्ड इमेजेस, ऑप्टिमाइज। तो ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो अब चेक करते हैं इधर कोई इम्पैक्ट पड़ा या नहीं। तो आप देख सकते हैं पहले से काफ़ी इम्प्रूव हो गया, 71 से 78 हो गया। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। उम्मीद है आपको नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अल्लाह।